हेलो एवरीबडी दिस इज दिगराज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेहरू ऑन सेक्युलरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छे से समझना डिटेल आपको बॉक्स में दिए लेकिन आपने अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है ना उसके आपको क्रक्स समझ में आएंगे इस पूरी डिटेल से और अब जब थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी इन ऑफ ऑफ थिंकर इज नो यूज ठीक है तो यहां पे आप जवाहरलाल नेहरू को एज ए थिंकर समझोगे ठीक है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था secularism के ऊपर वो को 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 कैसे डिफाइन करते हैं उस चीज आपको जानने को मिलेगा जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं ठीक है जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो पे आ गए कहीं से घूमते फिरते तो आप लोगों को एक अच्छी परसपेक्टिव समझ में आएगी कि एनसीआर क्या बताना चाहता है जवाहरलाल नेहरू का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था ऑन सेक्युलरिज्म सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी पहले कनेक्ट करो आपने इंडियन सेक्युलरिज्म भी पढ़ा वेस्टर्न सेक्युलरिज्म भी पढ़ा दोनों सेक्युलरिज्म के जो मॉडल पढ़े तो आपको यह समझ में आया कि डिफरेंस है दोनों में ठीक है इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म तो अभी आगे आप और पढ़ोगे जैसे क्या कि एक आरोपी लगाया जाता कट कॉपी पेस्ट है ठीक है इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न इम्प्लांट है तो ऐसा नहीं है हमारे सेक्युलरिज्म में डिफरेंस है ना आपने इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म दोनों को समझा है ठीक तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडियन सेक्युलरिज्म अपने आप में यूनिक है अब वो यूनिकनेस कहां से आई है ऊपर से नहीं आई है हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे ठीक है आप कह सकते हो कि जिन लोगों ने उस सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों की सोच अलग थी तभी तो हमारा सेक्युलरिज्म वेस्टर्न मॉडल से अलग है ठीक है तो हमारे जो थिंकर्स थे जिन लोगों ने उस तरह के फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है यूनिक फेडरलिज्म को इंडियन फेडरलिज्म का जो मॉडल है जिन्होंने उन्हें बनाया है उनका क्या मानना था तो उन्हीं इंडियन सेक्युलरिज्म के जन्म देने वाले लोगों में एक नाम है जवाहरलाल नेहरू का तो हम समझेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सेक्युलरिज्म के ऊपर टॉपिक कनेक्ट कर लिया ना कि क्या है टॉपिक चलो अब देखो तो वेन जवाहरलाल नेहरू वॉज आस्ट स्टूडेंट दैट वॉट सेक्युलरिज्म मेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया ही रिप्लाइड ठीक है एक

ठीक है उनकी डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आई वॉन्ट दैट सेक्युलरिज्म शुड बी इक्वल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट टू ऑल रिलीजन मतलब स्टेट और रिलीजन को अलग ना किया जाए उल्टा स्टेट क्या करे सभी रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन दे ठीक है इक्वल फुटिंग पे देखे ये उनका मानना था

ट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन ठीक है सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करें बट डज नॉट फेवर वन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर ठीक है तो जो इक्वालिटी की बात करी थी कि एक सेकुलर स्टेट को क्या करना होगा सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना होगा वो चीज यहां देखने को मिलती है आपको ठीक है तो वो यही चाहते थे कि स्टेट जो है एक सेकुलर स्टेट जो है वो हर रिलीजन को प्रोटेक्ट करे लेकिन फेवर किसी को ना दे ठीक है फेवर किसी को ना दे बट डज नॉट फेवर वन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एंड डज नॉट इट सेल्फ अडोप्ट एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन ठीक है तो सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन में आपने ये भी देखा था कि आप अगर थियोग्रेटिक स्टेट नहीं भी हो तो भी आपके कोई फॉर्मल इनफॉर्मल अलायंस नहीं होना चाहिए किसी रिलीजन के साथ में वही चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी तो जो ब्रॉड कंसेंसस थे ना सेक्युलरिज्म के लिए सेक्युलर स्टेट के लिए

फरमेंट ऑफ रिलीजन ओनली, ठीक है फॉर दी बेटरमेंट ऑफ रिलीजन ओनली इन रिलीजन का ही अच्छा हो उसके लिए इंटरवेंशन जरूरी है ठीक है तो वही चीज यहां पे दर्शाई गई है तो नेहरू जवाहरलाल नेहरू की चुके हो ठीक तो है मतलब जवाहरलाल नेहरू की फिलोसफी जो उनकी सोच रिफ्लेक्ट होती है और समझो जरा डिटेल में कैसे तो नेहरू फिलोसफी ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म नेहरू जी की जो फिलोसफी थी इंडियन सेक्युलरिज्म को लेकर वो समझाता तो हूं आपको नेहरू डिड नॉट प्रैक्टिस एनी रिलीजन नॉट डि गॉड ठीक है या फिर मान के चलते थे वो. तो नेहरू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन नॉट डि गॉड बिम से बहुत अच्छी सीखने वाली चीज है यहां पर यह आपको बताती है कैसे आपको लिबरल होना चाहिए आप धर्म में विश्वास नहीं रखते हो मत रखो आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हो मत रखो लेकिन सामने वाला इंसान अगर भगवान में विश्वास रखता है वो धर्म को मानता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भी बोलोगे कि तुम भी मत करो ठीक है वो उसकी अपनी लिबर्टी है आपकी अपनी लिबर्टी है ठीक है वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो ये सारे आइडियाज जो आप आगे पढ़ के आए उससे रिलेट करना ठीक है तब आप रियल सेंस में लिबरल कहलाओगे ठीक वही चीज यहां पे देखने को मिलती है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे तो उनकी फिलोसॉफी सेक्युलरिज्म को लेके ऐसी थी कि जब आप सेक्युलरिज्म को रिलीजन से जोड़ के देखते हो ना तो वो रिलीजियस नहीं थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजियस नहीं होने के कारण वो रिलीजन को हॉस्टिलिटी के टूवर्ड देखेंगे कि क्या धर्म धर्म लगा के रखा है वो इक्वली रिस्पेक्ट करते थे किन लोगों की जो रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं

जवाहरलाल नेहरू खुद कह सकते हैं क्या है किसी रिलीजन में विश्वास नहीं रखते लेकिन वो ही वॉज नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स एनी रिलीजन ऑल्सो लेकिन आता तुर्क के केस में अगर आप कंपेयर करोगे तो कहानी अलग थी ठीक है वहां पे आपको सप्रेशन देखने को मिलेगा रिलीजन का क्यों क्योंकि जो इंसान थे वो खुद क्या था वो जो इंसान खुद था वो एक तरह से बहुत ज्यादा हाईली सेक्युलरिस्टिक था और जिसके चलते उसने क्या किया सप्रेस भी किया किसे रिलीजन को

तो उससे क्या रहता है कि रिलीजियस रिफॉर्म के लिए स्कोप रह जाती है ठीक है और वही जवाहरलाल नेहरू का मानना भी था कि कंप्लीट कर दोगे तो फिर क्या आप नहीं नहीं कर पा। नहीं कर पाओगे पाओगे तो जो गलत है वो भी चलता रहेगा ठीक है तो स्कोप नहीं रह जाती फॉर रिलीजियस रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म लाना इसके लिए आपको इंटरवेंशन का स्कोप रखना चाहिए आया ना समझ में तो ये वाला पॉइंट ये वाली फिलोसफी समझ में आई उनका थॉट समझ में आया ठीक नेहरू नेहरू हिमसेल्फ हिमसेल्फ प्लेड अ की रोल इन इनिंग लॉज अबोलिशिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिश डाउडी राइट एंड सोशल फ्रीडम टू इंडियन वुमेन ठीक है और ये जवाहरलाल नेहरू का जैसे जब वो ये चाहते थे, थे ना कि कंप्लीट सेपरेशन ना हो तो उनकी सोच ही यह थी कि स्कोप रहे एक रिलीजियस रिफॉर्म का और उन्होंने खुद क्या किया एक्टिवली पार्टिसिपेट किया बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स में जैसे अनटचेबिलिटी वगैरह बैन करवाना इन सारी चीजों में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा ठीक है अब आगे देखो क्या है तो जवाहरलाल नेहरू फिलोसफी ऑन से, सेक्युलरिज्म जितनी भी भी आपने पढ़ी यहां पे तो आपको क्या समझ में आया कि रिलीजन और स्टेट के बीच में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है हुए ठीक है वो क्या है बहुत फ्लेक्सिबल है कि हां ठीक है स्कोप रखेंगे भी हम रिलीजन भी अपना एंजॉय करें जो लोग रिलीजन में विश्वास नहीं रखते वो भी आराम से अपना रहे ठीक है सबको अपनी आ, कह सकते हैं कि रिलीजियस लिबर्टी रहे पूरी पूरी तो ही वॉज वेरी फ्लेक्सिबल हिस फिलोसफी वॉज वेरी फ्लेक्सिबल वेन इट कम्स टू सेक्युलरिज्म ठीक लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी चलता रहे उन्होंने एक चीज को स्ट्रिक्टली अपोज किया था ठीक अब आप जब यह जवाहरलाल नेहरू का सेकुलरिज्म का आइडिया पूरा पढ़ रहे हो ना तो अच्छे से समझ लेना तो आपको एक कॉम्प्रेहेंसिव आंसर लिखते आएगा आप जिस भी ग्रेड में हो इलेवंथ क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो आपको तो पढ़ना ही है भैया अच्छे से ठीक है बाकी जो अलग बिना इलेवंथ क्लास के भी देख रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्योंकि की हैं हो गया ठीक है रिलीजन हो गया ये एक ऐसे मुद्दे होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आंसर में ऐसे में इधर उधर घूम फिर के आएंगे आएंगे तो आपके पास में कुछ वैलिड पॉइंट होना चाहिए मिर्च मसाला अच्छा होना चाहिए तो आपने अंडरस्टैंडिंग यहां पे एक डेवलप कर ली कि जवाहरलाल नेहरू पर अगर क्वेश्चन आता तो आप किस तरह से लिखोगे तो आप उनका सेक्युलिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि कैसे वो वेस्टर्न मॉडल से आ, मतलब एकदम वेस्टर्न मॉडल का डुप्लीकेट मॉडल नहीं अडॉप्ट किया है फ्लेक्सीबल था ठीक है उसमें चेंजेस थे लेकिन एट टाइम्स हम क्या देखेंगे कुछ रिजिडिटी

एक इंडिविजुअल को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चालू कर देते कि ये हिंदू ये मुस्लिम है ठीक है और हिंदू और मुस्लिम है तो ये साथ में नहीं रह सकते अलग अलग रहेंगे तो वो कम्युनल आइडेंटिटी को बिल्कुल पूरी तरह से बढ़ चढ़ के उन्होंने अपोज किया था ठीक है तो उनके में एक चीज पर बहुत अनकम्प्रोमाइजिंग पोजिशन पे थे बहुत फर्म थे बहुत स्ट्रांग थे वो क्या थी कि बाकी सारी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे लेकिन जब सेक्युलरिज्म की बात आएगी तो सेक्यूरिज्म का मतलब होना चाहिए कंप्लीट अपोजिशन टू कम्युनलिज्म किसी प्रकार का कम्युनल सिस्टम वहां पर डेवलप नहीं होना चाहिए क्लियर हुआ ये ठीक है तो नेहरू वॉज पर्टिकुलरली सीवियर इन ऑफ कम्युनलिज्म ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी पोज अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी ठीक है और यहां पे सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी की बात नहीं है उन्होंने कम्युनलिज्म हर फॉर्म में जो कम्युनलिज्म था कम्युनलिज्म इन एवरी फॉर्म वॉज अपोज हिम ठीक है किसी भी तरह का कम्युनिज्म नहीं किया जाएगा उन्होंने क्या किया पूरी तरह से कम्युनिज्म को अपोज किया और कारण भी दिया कि कम्युनलिज्म रहता तो इससे नेशनल यूनिटी को थ्रेट रहता है ठीक है नेशनल यूनिटी को थ्रेट कैसे रहता है कि अब एक देश है उसमें डायवर्सिटी है डायवर्सिटी उसमें हिंदू भी मुस्लिम भी है सिख भी ईसाई SI भी है लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगोगे चलो वहां तक भी ठीक है लेकिन जब आप यह सोचने लगोगे कि एक ही धर्म के लोगों का देश है या फिर साथ में नहीं रह सकते अकोमोडेशन नहीं हो सकता तो उसके चलते क्या होगा उसके चलते रिलीजियस कंफ्लिक्ट बढ़ेंगे रिलीजियस कंफ्लिक्ट बढ़ेंगे तो दिखती बात है कि नेशनल यूनिटी पर खतरा आएगा सवाल उठेंगे ठीक है तो उनका यह मानना था कि सेकुलरिज्म फॉर हिम वॉज दी ओनली गारंटी फॉर द यूनिटी एंड तो सेक्युलरिज्म होना चाहिए मतलब कंप्लीट अपोजिशन टू कम्युनिज्म और इस तरह का जब सेक्युलरिज्म होगा तभी क्या होगा एक कंप्लीट गारंटी मिलेगी आपको किस चीज की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की हमारे प्यारे भारत की आया समझ में तो ये कहानी थी कहानी मैंने आपको सुनाई कैसी लगी बताना मुझे एक बार रिकॉल कर लेते देखो तो जवाहरलाल नेहरू का जो पॉइंट ऑफ व्यू था सेकुलरिज्म पे आपने वो देखा इस वीडियो लेक्चर में तो जवाहरलाल नेहरू से जब पूछा गया कि क्या है आपका ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सेकुलरिज्म कैसा होना चाहिए ठीक है तो एक लाइन में आप समराइज कर सकते हो कि ही रिप्लाइड इक्वल प्रोटेक्शन बाई द स्टेट टू ऑल रिलीजन अब जब इक्वल प्रोटेक्शन की बात की जा रही है तो उसमें क्या होगा कंप्लीट सेपरेशन को उन्होंने फेवर नहीं किया स्टेट इंटरवेंशन भी होगा ठीक है स्टेट इंटरवेंशन होगा उसके साथ साथ में स्टेट इंटरवेंशन से रिलीजियस रिफॉर्म के लिए स्पेस रह जाएगा साथ ही साथ में उनकी पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल थी लेकिन एक पॉइंट पे वो बहुत फॉर्म थे स्ट्रांग थे क्या कि सेक्युलरिज्म में किसी भी प्रकार का कम्युनलिज्म का स्कोप नहीं रहना चाहिए क्योंकि क्या इट इज अ थ्रेट टू कम्युनिज्मी नेशनल यूनिटी ठीक है और उनका यही माना था कि इस तरह का सेकुल, सेकुलर मॉडल जब अडॉप्ट किया जाएगा तब क्या होगा तब कंट्री यूनाइटेड रहेगी ठीक है तभी हम कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सकते हैं समराइज भी कर दिया हमने आपके लिए ठीक है तो आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई है अब जरा एक मिनट के लिए पॉज लेते हैं हम ठीक है अच्छे से सुनना आपने चैप्टर का एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया मतलब आपने सेक्युलरिज्म को अच्छे से समझ लिया कैसे समझ लिया सेकुलरिज्म को तो आपने सेक्युलरिज्म क्या है वो समझा सेकुलरिज्म आइडियोलॉजी को आपने अच्छे से समझा फिर आपने देखा कि उस आइडियोलॉजी को अल्टीमेटली इंप्लीमेंट तो एक स्टेट ही करती है गवर्नमेंट सेक्युलर स्टेट भी समझ लिया अब सेक्युलर स्टेट जो है वो आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करेगा स्टेट को अगर आप बोल रहे हो कि सेपरेशन होना चाहिए तो सेपरेशन स्टेट और रिलीजन के बीच में वैरी करता है वेस्टर्न मॉडल के हिसाब से और इंडियन मॉडल के हिसाब से आपने वेस्टर्न मॉडल मॉडल भी 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 समझा भी समझा इंडियन ठीक है दोनों जगह एक भी देखने आपने जैसे अभी ये इस वीडियो में आपने क्या देखा जवाहरलाल नेहरू का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था में जो इंडियन सेकुलरिज्म को दर्शाता है कमाल आता तुर्क का, आपने एक अलग ही अपने आप में सतरंगी सेक्युलरिज्म का मॉडल देखा ठीक है तो वो एक चैप्टर का पूरा पार्ट मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है अब नेक्स्ट वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे नहीं है। हर अच्छी हो या बुरी, उसके अगेंस्ट में बोलने वाले लोग रहते हैं आपको क्या करना है आपको पता है ना सेक्यूलरिज्म अच्छा है तो सेकुलरिज्म को डिफेंड करना और समझना है कि जो क्रिटिसिज्म है वो वास्तवता में क्रिटिसिज्म है, है तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही करने वाले हम देखेंगे सेक्युलरिज्म क्या क्या क्रिटिसिज्म वो सारा सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूं आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन मैग्नेट ब्रेन पर क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स चैप्टर्स टॉपिक्स सब टॉपिक सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को तो जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तो सारे क्रिटिसिज्म को वन बाय वन समझते चलेंगे टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच